हरे रामकृष्ण। आज किशन राघानी आपको मैं बता रहा हूँ, केतु आपके पांचवें घर में हो। पांचवें घर में अगर आपका केतु हो तो आप समझ लो मिस्टर अमिताभ बच्चन की आप परछाई हो। विदेश यात्राएं करेगा, सुखी बलि जातक होता है, भाई बंधुओं से प्रीत रखता है। इस जातक को दूसरों के इस जातक को शुरू शुरू में नेग्लेक्शन और रिजेक्शन देखना पड़ता है, दूसरों के अधीन चलना पड़ता है, ये पाया गया है। इनका शरीर कमज़ोर होता है। अगर ये स्त्री हो तो इनको गर्भ नष्ट, अगर पुरुष हो तो इनकी पत्नी का गर्भ नष्ट होता है। यह केतु दूसरों को भ्रामक बनाकर माया जाल में फंसाता है और अपनी विद्या और ज्ञान का सहारा लेकर मशहूर हो जाता है। माना ये ऐसे काम करेगा मायावी, आप देखते रह जाओगे, ऐसे करिश्मे करता जाएगा, धन भी बनाता जाएगा, फेमस भी होता जाएगा, और आपको भी यार क्या है ये, ऐसा मायावी राहु इसको बोलते हैं हम केतु पांचवे का। जातक माया जाल में फंसाता है अपनी, माना अपनी क्वालिटी से दूसरों को माया जाल में, कितनी फैन फॉलोइंग है अमिताभ साहब की, माया जाल में फंसाता है। 5 वर्ष की उम्र में इनके भाइयों को जान का खतरा होता है, थोड़ा आप ध्यान रखना। ये अगर आपके पांचवें घर में केतु हो, कोई बच्चा पैदा हो, तो आप फर्स्ट से उसके माता पिता किसी ज्योतिष से सलाह लें। और इस पांचवे में अगर कोई शुभ ग्रह साथ हो या शुभ राशि अंदर हो तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल ये ठीक है, इट इज़ अ फेमस पर्सनैलिटीज हाउस, अंडरस्टैंड। माना ये अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित करके अपना काम बना लेते हैं। अगले चैनल, अगले एपिसोड में आपको 6th केतु बताऊंगा। फिलहाल आप इनको सब्सक्राइब करो और याद करो, सुखी रखें।